कहानी का मनिहारी वाला आ गया। चल चल चल। हाँ, कहानी का मनिहारी वाला आया है। मनिहारी वाले कहानी सुनाइए ना। जब इतने सारे खरीदार आ गए हैं और इतने अच्छे अच्छे, तो मुझे कहानी सुनाना ही होगा तुम लोगों को। मनिहारी वाला नहीं, बोलिए कहानी का मनिहारी। हाँ बेटी, ठीक बोल रही हो। सिर्फ मनिहारी नहीं, कहानी का मनिहारी। अब एक कहानी सुनाइए। आज मैं तुम लोगों को भूतों का कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं भूतों का कहानी नहीं, दूसरा कहानी, ठीक है? सुनो तो फिर। मधुपुर गांव में, गांव के पूर्व दिशा की तरफ राजा का 3 मंजिलों का घर था, और पश्चिम दिशा की तरफ सबसे ज्यादा गरीब पानू शर्मा का घर था। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ ना, दाल पतला बनाया करो। तुम्हें पता है दाल कितना महंगा है? 2 रुपए किलो है। इसे गहरा दल कहते हैं, मत बोलिए। क्यों, बोलने से क्या होगा? जमींदार के पहरी मुझे पकड़ के ले जाएंगे। नहीं, जमींदार की पहरी नहीं पकड़ेंगे आपको, लेकिन नदी कुआं तालाब सबका पानी सूख जाएगा। क्यों? शर्मा के पिताजी, शर्मा के, क्योंकि पानी इससे गढ़ा होता है। इस दाल से चावल ना खाकर तो पानी से खाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, 2 पैसे कमाते तो नहीं हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें आती है। घर पे बैठकर बूढ़े बाप का और कितना दिन खाओगे? ऐसे बातें बोल रहे हो जैसे सोने के पलंग पर पकवान खिला रहे हो। खिलाते हो सिर्फ सिर्फ चावल और पतला पतला दाल, कभी कभी सूखा चावल और नमक रोटी, रूखा सूखा खाना। छी छी, जानवर भी नहीं खाएंगे। ठीक है बेटा, आज तक हम लोग तुम्हें जानवरों का खाना खिलाकर पोष पाल कर इतना बड़ा कर दिए हैं, तो फिर अब जाओ अपने पैरों पर खड़े होके खटके खाकर दिखाओ तो जानू मैं। ठीक है ठीक है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर आप लोगों को दिखाऊंगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अरे ये तो चानू है ना, दोपहर में कहाँ जा रहा है? चानू, ओए चानू। क्या? ओ पंचू, इतने दोपहर में कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ पास के राज्य में कुछ काम के लिए। तू और काम, काम चोर कभी काम करता है? तू तो एक काम चोर है, तू मेहनत करके पैसा कमाएगा। वाह, कितनी सुंदर है ये लड़की, जैसे अप्सरा हो। ये कौन है पंचू? हमारे जमींदार की बेटी। ओहो, अगर ऐसी सुंदर लड़की से अगर शादी कर पाता तो? ऐसा नहीं हो सकता, एक जमींदार की बेटी से तू और मैं शादी कर पाएंगे? वो किस जमींदार से ही शादी करेगी? ठीक है, देखता हूँ ऊपर वाला क्या चाहता है। अब मैं चलता हूँ। दादी माँ, ये लड़का कौन है? कितना सुंदर है देखने में। छी 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 छी, पूरे गांव में तेरे को यही लड़का मिला था? हाँ, तू नहीं जानती ये कितना गरीब है और काम चोर है पूरे गांव में इन लोगों का। अच्छा, ये वही चोर है? जाने दीजिए दादी माँ, लोग इसे जो बोलते हैं बोलने दीजिए, पर ये तो मुझे बहुत पसंद आया है।
जैसे कृष्ण भगवान जैसा हो दादी माँ। अरे मुझौसी तू चुप हो जा, चुप हो जा, अगर तेरे पिता सुनेंगे ना तो तेरे को मारेंगे पकड़ के। चल चल पानी भरने चल 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 लो। गुस्से में तो घर छोड़कर आ गया मैं। सामने घना जंगल है, शाम होने वाला है, आसपास में किसी का घर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सुनसान एक रास्ता। जाऊं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ कोई घर दिख जाए। नमस्ते माँ जी। कौन हो बेटा तुम? राही। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ खाने को मिल जाए और कहीं भी सोने को मिल जाए। मेरे 6 बेटे हैं और 6 डाकू हैं, 6 काम पे गए हैं, अगर वो आके तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, जंगल में इधर उधर घूमकर जानवर के काटने से मरना उससे अच्छा है आपको बेटे मार दे। बेटा तुम तो बातें अच्छे करते हो, आओ आओ बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, लो बेटा खाओ। क्या हुआ बेटा, बोले नहीं खाना कैसा हुआ है? बहुत स्वादिष्ट है, मन भर गया। माँ जी सोने का जगह दिखा दीजिए। वो देखो वो सामने वाला घर। ठीक है जाके सो जाता हूँ। आह कितना नरम बिस्तर है। माँ जी मैं सो रहा हूँ, लेकिन अपने बेटों से कह दीजिएगा मेरा नींद ना तोड़े, वरना ठीक नहीं होगा माँ जी। ठीक है। ओए कौन है तू, यहाँ क्यों आए हो? मैं डाकुओं का सरदार हूँ, मैं अपने दल के लिए डाकू ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग अगर चालाक चतुर हो तो मेरे दल में शामिल हो सकते हो। ठीक है तुम पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर तुमसे बात करूँगा। हाँ यही ठीक रहेगा। भाइयों हो रहा, एक आदमी बकरी लेके जा रहा है, तुम देख रहे हो? हाँ हाँ देख रहे हैं। एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई जोर जबरदस्ती ना कर वो बकरी तुम लोग ले आ पाओगे? बोलो। नहीं ले आ पाएंगे। बस देखो तुम लोग मैं कैसे लेकर आता हूँ उसे। चल 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 जल्दी चल, आज अपनी पत्नी के लिए एक चाल खरीदूंगा, कल बहुत उसे ठंड लग रहा था। हाँ ये जूता किसका है? बहुत सुंदर जूता है तो, लेकिन एक पैर का है, और एक पैर का मिलता तो अच्छा होता ना। छोड़ो चल 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 मेरे साथ चल। हाँ ये रहा दूसरे पैर का जूता, बहुत सुंदर है, अगर पहले बल्ला जूता ले लेता तो अच्छा होता, पता नहीं अभी वहाँ पे होगा कि नहीं। जा रहा हूँ बकरी को बांध कर जूते को ले आता हूँ। बेवकूफ कहीं का, उसका इधर भी गया उधर भी गया। चल 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 चल। ये देखो भाइयों मैं ले आया, कोई जबरदस्ती ना कर दिमाग लगा कर। हाँ पहला जूता तो यही पे ही था। धत मैं बेकर में यहाँ तक चल कर आया, जाओ बकरी को बांध कर आया हूँ,
जाओ। ये क्या, दूसरा जूता भी यहाँ नहीं है? ये क्या, बकरी भी नहीं है? अब क्या जवाब दूंगा घर में? हाँ, मैं तो बोल कर आया हूँ, बकरी बेचकर तुम्हारे लिए एक साल ले आऊंगा। छोड़ो, चुपचाप घर जाकर भेड़ को लेके आता हूँ। हाँ हाँ, अब असंभव को संभव कैसे किए हैं? बताओ कैसे? इस असंभव को संभव किया है तो ये जूता कैसे? मुझे समझ में आ गया था वो आदमी सीधा जाएगा, इसलिए मैं मौका पाकर। सच में सरदार, आपका जवाब नहीं, हम लोग आपको सरदार मान लिए हैं। चलिए आप, हम लोग अपना धन संपत्ति दिखाते हैं। ये है हमारा इकट्ठा धन। ठीक है, तुम लोग अपने अपने काम पे जाओ, आज से मैं इस धन का रखवाली करूंगा, तुम लोग जाओ। ठीक है सरदार, हम लोग लूटपाट करने जा रहे हैं। हाँ, यही मौका है, फटाफट सब लेकर भाग जाता हूँ। पिताजी, माँ, पिताजी। देखी तुम, मैं कहा था ना, ये शैतान लड़का कहीं नहीं टिकेगा, फिर से परेशान करने आ गया। पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए ना। ओह, जैसे घोड़े पर चढ़कर आया है। रुक, आ रहा हूँ, खोलता हूँ। इतना सारा हीरा मोती तू कहाँ से पाया? गले में मोतियों का हार, हीरे की अंगूठियाँ, कहाँ से आया है? किसी राजा के पास काम कर रहा है तू क्या? हाँ नहीं तो फिर? तो जमींदार के पास? वो भी नहीं। तो चोरी किया हूँ। क्या चोरी किया है तू? ये जी देखिए, हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया ये, अब हम लोगों को काल कोठरी में बंद करवाएगा। ओह, ये जी सुनते हैं आप? ओह, चुप हो जाइए नमा, चुप होइए, पहले मेरा बात तो सुनो। क्या सुनूं? हाँ बोल, क्या सुनूं? हाँ? कुछ सुनने को बाकी है? किसके घर से कैसे चोरी किया है ये बताएगा? हाँ वही बताऊंगा, बिना चिल्लाए चुपचाप सुनिए। कल मेरे घर से निकलने के बाद बताइए मैं क्या गलती किया हूँ? नहीं, गलती नहीं किए हो, सही किए हो, चोर के घर में चोरी किए हो। सुनिए पिताजी, अभी आपको एक काम करना होगा। क्या काम बेटा? कल सुबह एक थैला मोहन लेकर आप जमींदार के घर जाइएगा, उनसे बोलिएगा मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा। हाँ ठीक है, जाऊँगा, ताकि जमींदार मुझे डंडा से मर के भगा दे, है ना? कुछ नहीं करेंगे, आप जाके उनसे बोलो मैं डाकुओं का सरदार हूँ, मेरे जैसे चालाक सरदार दुनिया में नहीं है, बड़े बड़े डाकुओं को अपने जाल में फंसाकर ढेर सारा धन लेके आया हूँ, उन्हें जाकर बोलिएगा। और ये छोटा सा नजराना जमींदार के लिए है, ठीक है? ठीक है बेटा। तुम्हारा बेटा जब लखपति है तो उससे अपनी बेटी का शादी में करा दूंगा, उससे पहले मैं होने वाला दामाद का परीक्षा लेना चाहता हूँ। सुनो मेरा बात, अगले रविवार को मैं एक मुर्गा तलवाऊंगा।
अगर तुम्हारा बेटा चानू अगर उस मुर्गा को कढ़ाई से चुरा ले तो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सोचूंगा। और हाँ, मुर्गा चलाएगा बगीचे के लकड़ी के घर में। ठीक है जमींदार जी। अच्छा ये बात है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उस मुर्गे को चुरा के रहूंगा। सही से तल और हाँ दही डाल देना, मुर्गा चटपटा बनाना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए जमींदार जी, मुर्गा ऐसा बनाऊंगा कि आप उंगली चटकर खा जाएंगे। जमींदार कहाँ जाए, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे भी खाने को दे दे, इस भूखे गरीब का उपकार होगा। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, अब बाहर जाके बैठिए। जमींदार जी वो देखिए बगीचे में एक सुंदर सा खरगोश दौड़ रहा है। दौड़ने दो, तुम अपना काम करो। जमींदार जी वो देखिए एक और खरगोश। तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं जमींदार जी, खरगोश का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मीठा होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा स्वाद है। चुप हो जाओ, अपना काम करो, इधर उधर ध्यान मत दो, वरना जो कर रहे हो चुपचाप करो। जमींदार जी और एक खरगोश कहा देखूं? सच में तीन तीन खरगोश कहां से आया? आप यहां खड़े होकर सोचते रहिए और मुर्गा तलिए, मैं जा रहा हूं खरगोशों को पकड़ने। ओए ओए कहां जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, तुम लोग जाओ खरगोश का शिकार करने, मैं जा रहा हूँ अपना तला हुआ मुर्गा लेकर। जमींदार जी ये आपका तला हुआ मुर्गा, आज दोपहर में मेरा बेटा चानू भिखारी बनकर आपके पास गया था और मुर्गा ले आया। ये तो बहुत आसान था। सुनो तुम चानू, तुम्हारे बुद्धि का मैं तारीफ करता हूँ, आखिरी खेल तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। आज रात में ही अगर तुम मेरे बिस्तर का चादर चुरा पाओगे तो मैं अपने बेटी का शादी कल ही तुम्हारे साथ करा दूंगा। ठीक है, असंभव को भी मैं संभव करूंगा। वाह कितना सुंदर आज का रात है, चांदनी रात। वो देखो चानू कैसे छुपकर देख रहा है, उसे मजा चखाता हूँ। ये क्या किए जी, अब चानू को मार दिए, गोली मार दिए उसे। नहीं नहीं मैं क्यों उसे मारूंगा, मैं तो उसे डरवाया था। ठीक है मैं नीचे जाकर देखता हूँ। कितना देर हो गया उनके गए, अभी तक वो आए नहीं, क्या हुआ है? सुनती हो, जल्दी से बिस्तर का चादर दो, शायद ये मरा नहीं, इसके सर से बहुत खून निकल रहा है, जल्दी दो चादर मुझे। दे रही हूँ, ले लीजिए। झूठा चानू, उसे फांसी लगाना चाहिए। बेचारे को बहुत लगा है और आप गाली दे रहे हैं। उसे सच में मार देना चाहिए था, वो एक पुतला बनाकर खिड़की के सामने रखा था, बेवकूफ बनाया। क्या क्या पुतला पुतला क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चादर क्यों मांगे आप?
बिस्तर का चादर, क्या बोल रही हो तुम? मैं तो नहीं मांगा। तो क्या आपको लगता है मैं क्या पागल हूँ, झूठ बोल रही हूँ? जी नहीं माँ जी, आप झूठ नहीं बोल रही है और आपके पति भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके पति का आवाज निकल कर मैं चादर मांगा था। सच में तू कितना शैतान है। जमींदार जी, अब आप अपनी बेटी का शादी मेरे साथ होगा, होगा कल ही होगा। इसके बाद की घटना बहुत ही छोटा था। जमींदार की बेटी के साथ जानू का शादी हो गया। जानू पहले जैसा कामचोर नहीं रहा। जमींदार और उनकी पत्नी हमेशा अपने दामाद जानू की बात करते थे। सबसे बड़ा चोर हमारा जानू। उसके बाद क्या हुआ बोलिए? उसके बाद और क्या हुआ? सूरज डूब गया और मेरी कहानी का अंत हुआ। उड़ रही है रास्ते का धूल, खेल रहे हैं बच्चे सारे, जा रहे हैं अपने घर। सूरज भी ढल रहा है, मैं भी चलता हूँ उनके साथ अपने घर। पढ़ने लिखने का समय हुआ, जाओ बच्चे अपने घर। वादा मैं तुमसे करता हूँ, कल सुबह फिर मैं आऊंगा, तुम सबको ढेर सारा कहानियां सुनाऊंगा, मजेदार कहानियां।